इन टुडेज क्लास विल बी सिंग अबाउट द इंसेक्ट एंटीना। जैसे कि हमने देखा था, एंटीना जो है इंसेक्ट के हेड का एक पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं अपेंडेज है। एंटीना हमने देखा था कि सेंसरी ऑर्गन है जो डिफरेंट टाइप के सेंसेस या सिग्नल्स को रिसीव या परसीव करने का काम करता है। अगर इंसेक्ट के एंटीना की मॉर्फोलॉजी हम देखें तो इंसेक्ट का जो एंटीना है वो बेसिकली तीन पार्ट से बना हुआ है। और ये एंटीना जैसा हमने देखा था, यहाँ पे एक एंटीनल सॉकेट होता है या डिप्रेशन होता है जहाँ पे ये एंटीना हेड में, या हम बोल सकते हैं क्रेनियम में फंसा होता है। तो अगर हम देखें तो हेड कैप्सूल तो टोटल होता है क्रेनियम प्लस अपेंडेज, तो ये हम बोल सकते हैं कि इसका क्रेनियम वाला पार्ट है और यहाँ पे इस सॉकेट में ये फंसा हुआ है एंटीना, तो हम इसे बोल सकते हैं एंटीनल सॉकेट। यहाँ पे इस तरफ पे एक सल्कस हमने देखा था जो कल प्रेजेंट था, सर्कम एंटीनल सल्कस, जिसके कारण ये जो एंटीना है इस हेड या क्रेनियम के प्लेट के साथ स्क्लेराइट के साथ मूव कर सकता है। तो यहाँ पे सर्कम एंटीनल सल्कस होगा एंटीना के बेस पे। अब जो एंटीना का बेसिक स्ट्रक्चर है वो तीन डिफरेंट पार्ट से मिलके बना हुआ है। अगर हम देखें इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसे बोला जाता है स्केप, तो जो फर्स्ट सेगमेंट है एंटीना का वो है स्केप। सेकेंड सेगमेंट एंटीना का जो है वो है पेडिसिल, और जो थर्ड पार्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है पूरा, इसे कहा जाता है फ्लैजिला। ये जो फ्लैजिला में छोटे छोटे और सब सेगमेंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, इन सिंगल सब सेगमेंट्स को, ये फ्लैजिला का पार्ट है, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लैजिलोमियर्स। अगर हम देखें तो इन जो तीनों सेगमेंट्स हम देख रहे हैं, स्केप, पेडिसिल और फ्लैजिला, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है पेडिसिल, क्योंकि ये जो है एक कोरोनरी ऑर्गन है, या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जॉनस्टन्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है। तो पेडिसिल या जो सेकेंड सेगमेंट है एंटीना का, उसमें हमें जॉनस्टन ऑर्गन देखने के लिए मिलता है जो कि साइंटिस्ट के नाम पे है। जॉनस्टन ऑर्गन जो है ये एक टाइप का कोरोनरी ऑर्गन है। कोटोडोनल ऑर्गन्स या कोटोडोनल अंग वो ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो वाइब्रेशन या ऑडिटरी सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एंटीना जो है वो इंसेक्ट के सुनने के काम भी आते हैं, और जो आसपास कंपन या वाइब्रेशन हो रही है उस टाइप के सिग्नल्स को वो रिसीव करने में हेल्प करते हैं। तो जो जॉनस्टन ऑर्गन है वो पेडिसिल में प्रेजेंट होता है, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ अगर हम एंटीना के फंक्शंस की बात करें तो एंटीना का जो फंक्शन है, वैसे तो ये हम बोल सकते हैं कि सिग्नल रिसीव कर रहा है, बट ये डिफरेंट सेंसेस को रिसीव करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स को रिसीव करता है। फर्स्ट हम देखते हैं एज अ ऑर्गन ऑफ टेस्ट, एंटीना जो है वो कुछ इंसेक्ट में एज अ टेस्ट के लिए काम आता है। इसका एग्जाम्पल है कॉकरोच। तो कॉकरोच में जो कॉकरोच होते हैं वो अपने एंटीना के थ्रू अपने फूड का टेस्ट ले सकते हैं, या हम ये बोल सकते हैं जो टेस्ट बड है वो एंटीना में प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली ऑर्गन ऑफ स्मेल, सूंघने के लिए, तो यहाँ पे ये हेल्प करते हैं हनी बीज में और एंट्स में। तो इन इंसेक्ट्स में एज अ बोल सकते हैं स्मेल एज नोज ये काम करते हैं। साउंड प्रोड्यूसिंग या स्ट्रिडुलेटरी, एंटीना साउंड प्रोड्यूसिंग के काम आता है क्रिकेट्स में। नाउ एज अ कोटोटोनल एंड वाइब्रेटरी, तो ऑलरेडी एंटीना में क्योंकि पेडिसिल में जॉनस्टन ऑर्गन प्रेजेंट है, ये कोटोटोनल है। स्पेसिफिकली अगर वो एंटीना कोटोटोनल एज अ फंक्शन या वाइब्रेशन रिसीव करने के काम आ रहा है, तो इस टाइप का एंटीना हमको देखने के लिए मिलता है मेल मॉस्किटोज एंड वास्प में। नाउ एज अ सेक्स डिटरमाइनिंग कैरेक्टर, तो हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीना या डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ एंटीना होते हैं, जिसके बेसिस पे कई बार एक ही स्पीशीज या हम बोल सकते हैं एक ही इंसेक्ट के मेल और फीमेल में दो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना या डायमॉर्फिज्म हमको देखने के लिए मिलता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इंसेक्ट है वो मेल है या फीमेल है। तो इस टाइप का हम चेक कर सकते हैं मॉस्किटो में, क्योंकि मेल और फीमेल मॉस्किटो में एंटीना जो है वो डिफरेंट टाइप का होता है। नाउ एज अ प्रे सीजिंग, प्रे सीजिंग का मतलब है प्रे मतलब शिकार, सीज करना मतलब दबोचने के लिए, तो अपने शिकार को दबोचने के लिए काउबोरस जो है वो अपने एंटीना को यूज करता है, क्योंकि एंटीना जो है वो कंपेरेटिवली बॉडी से लंबे होते हैं और शिकार को दबोचने के काम आते हैं। नाउ एज अ क्लैस्पिंग ऑर्गन, क्लैप्स का मतलब है टू होल्ड, मतलब पकड़ने के लिए, तो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने मेटिंग के टाइम पे फीमेल को होल्ड करने के लिए मेल इंसेक्ट एंटीना को यूज करता है। इसका एग्जाम्पल है फ्लिया एंड ब्लिस्टर बिटल। तो इनमें एंटीना एज अ क्लैस्पिंग ऑर्गन हेल्प करता है। नाउ अदर फंक्शंस, इसके अलावा अदर फंक्शंस क्या हो सकते हैं, टू डिटेक्ट
changes in environmental temperature, relative humidity, wind velocity, and enemies. क्या हम ये बोल सकते हैं डेंजर सिग्नल. तो जो एंटीना है ये जो आसपास का एनवायरनमेंट इंसेक्ट का होता है उस एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब टेम्परेचर में, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में, मॉइस्चर में, या फिर जो विंड वेलोसिटी है इनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये भी इंसेक्ट अपने एंटीना को मूव करके वो पता करते हैं या मेजर करते हैं. साथ ही जो आसपास वाइब्रेशन क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, अगर आसपास से कोई वाइब्रेशन उसे मिलेगा किसी एनिमी का या डेंजर सिग्नल कोई मिलेगा तो उसके उसका पता भी वो अपने एंटीना के थ्रू लगा सकते हैं. तो ये है एंटीना का एक बेसिक स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस.